गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम यू इंग्लिश टीचर फ्रॉम विद्या इंटरनेशनल स्कूल हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग होम सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू वर्कशीट इट इज वर्कशीट टू पॉइंट थ्री इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्ट्रेक्शन 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 के फोर पार्ट्स होते हैं पहला होता है वर्ब प्लस नॉट ठीक है नेक्स्ट होता है प्रोनाउन प्लस वर्ब नेक्स्ट वर्ब प्लस वर्ब नेक्स्ट मिसैलनस ओके okay, पहले मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी बताऊंगी इसकी वर प्लस नॉट मतलब जो हमारी वर्ब होती है उसमें नॉट का यूज करके हम कॉन्ट्रेक्शन कैसे बनाते हैं इज वर प्लस नोट ये क्या बन जाता है हमारा इज नॉट ठीक है एक्चुअल में ये बनता है इज नॉट लेकिन हम इसको कॉन्ट्रेक्शन में क्या लिखते हैं इजेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल ये बहुत लंबा जो है वो सेंटेंस हो गया तो हम इसको कॉन्ट्रेक्शन में कैसे लिखेंगे ही इजंट गोइंग टू स्कूल शॉर्ट हो गया ही इजंट गोइंग टू स्कूल यहाँ हमने ये यह क्या किया कॉन्ट्रेक्शन का यूज़ किया ओके नेक्स्ट एम प्लस नॉट एंट एम प्लस नॉट को क्या बोलते हैं हम यहाँ एंट एग्जाम्पल पे आते हैं आई एम नॉट गोइंग टू सॉरी आई एम नॉट एनी थिंग ठीक है आई एम नॉट गिविन एनी थिंग अब इसको कॉन्ट्रेक्शन में क्या लिखेंगे आई एंट गिविन एनी थिंग ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया शॉर्ट हो गया ऐसे ही बहुत सारे होते हैं ये नोट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आर प्लस नॉट आर एंट वर्स प्लस नॉट वर प्लस नॉट वरेंट अच्छा वर प्लस नॉट वरंट वरंट में जो होता है उसमें दो तरीके के होते हैं मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वॉज वॉजेंट वॉज प्लस नॉट में भी यही होता है वर प्लस नॉट में भी होता है मैं यहाँ पे वर प्लस नॉट का एक्सप्लेन कर देती हूँ वी वर नॉट प्लेइंग एज सच यहाँ पे वर नॉट साथ में आया यहाँ हमने वरंट लगा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नेक्स्ट वर यू नॉट स्लीपिंग अब यहाँ क्या है वर आ गया बीच में हमारा सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे हमारा नॉट आ गया अब इससे हमारा ये बनेगा या नहीं इसको हम कॉन्ट्रेक्शन में लिख सकते हैं या नहीं ऐसा कोई इशू नहीं होता हम बिल्कुल इसको कॉन्ट्रेक्शन में लिख सकते हैं बस जो नॉट है वो हमारा वर के साथ ही आ जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे वरंट यू स्लीपिंग ओके ऐसे होता है हैज प्लस नॉट हैजेंट प्लस नॉट हैट हैड प्लस नॉट हैड एंड डू नॉट डोंट डज प्लस नॉट डजेंट डिड नाट डिडंट विल नॉट वॉन्ट विल नॉट वॉन्ट ओके नेक्स्ट वुड नॉट वुडंट कैन नॉट कैन नॉट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं कैनॉट और कांट ठीक है कैन नाट कैनॉट और कांट कु नॉट कुडंट शुड नॉट शुडंट शेल नॉट शेंट विल नॉट में क्या था वॉन्ट शेल नॉट में शेंट मे नॉट मेन्ट माइड नॉट माइंड नेक्स्ट मस्ट नॉट मस्टंट मस्टंट और डेर नॉट डेर नीड नॉट नीड एंट नाउ कम टू अवर्स नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज प्रोनाउन प्लस वर्क प्रोनाउन प्लस वर्क क्या होता है प्रोनाउन सबको पता है क्या होते हैं और यहाँ पे हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन प्लस वर्ब आई हैव अब आई हैव को हम कॉन्ट्रेक्शन में कैसे लिखेंगे आई अपोस्ट ऑफ ई प्लस वी ई ये होता है हमारा हैव ठीक है आई हैव ऐसी हम सारे लिखेंगे दे हैव देव वी हैव वेव यू हैव यो He is और he has, he is और he has दोनों का एक ही लिखा जाएगा वो होगा his, h e apostrophe और s, okay? She is और she has इन दोनों का भी सेम लगेगा she is is, इज इट इज और it has यहाँ पे होगा हमारा इट्स ओके okay? uh, Is और has के लिए हम हमेशा हमारा apostrophe s आता है okay? ऐसे ही विल और शैल दोनों के साथ ये ही लगेगा विल शैल uh, के साथ शील वी विल शैल के साथ विल यू विल शैल के साथ यूल दे विल शैल के साथ दे विल इट विल शैल के साथ इट विल दैट विल शैल के साथ दैट विल ही वुड हैड वुड और हैड ठीक है दोनों में लास्ट में सेम है इसलिए एच ई अपोस्ट ऑफी डी हेड शी वुड हैड वुड और हेड दोनों सेम है तो शेड यहाँ वी वुड हैड दोनों सेम है तो यहाँ पे ये वेड दे वुड हैड दे यू वुड हैड यूड इट वुड हैड इट है आई एम आई एम को हम ऐसे लिखते हैं आई एम ठीक है दे आर दे प्रोनाउन है आर वर्ब है इसको हम कैसे लिखेंगे दे आर ई ये हो गए हमारे प्रोनाउन प्लस वर्ब नाउ कम टू अवर थर्ड कैटेगरी दैट इज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कुड है, है, भी हमारी क्या है वर्ब है और हैव भी हमारी क्या है वर्ब कुड इज अ मॉडल वर्ब ओके और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो कुड हैव को हम क्या लिखेंगे कुड हैव ठीक है शुड हैव शुड हैव वुड हैव वुड है ये होती है हमारी वर्क प्लस वर्क नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मिसलनेस इसमें गोइंग टू को हम क्या लिखते हैं गोना वन टू को क्या लिखते हैं वोना गिव मी गिमे लेट मी लेटस लेट्स हम बोलते हैं ना लेट्स मैडम मैडम जब हम किसी को बोलते हैं तो हम उसको कॉन्ट्रेक्ट क्या लिखते हैं एम ए अपोस्ट्रॉफी ए एम मैम ऑफ द क्लॉक ओ क्लॉक जैसे हम लिखते हैं ना सेवन ओ क्लॉक ठीक है तो यहाँ पे हम ऑफ द क्लॉक के लिए क्या लगाते हैं ओ क्लॉक तो ये सब होते हैं हमारे कॉन्ट्रेक्शन आई विल शेयर माई नोट्स विद यू नाउ वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ द एक्सरसाइज in your english language notebook here is exercise a and exercise b in both of the exercise you have to use contraction in each sentence okay or if you have any problem you can call me